लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। याद है मैंने आपसे क्या क्या कहा? याद है, मेरे डैडी आपकी सैलरी कम करने की बड़ी कोशिश करेंगे, मगर आप बिल्कुल राजी मत होइएगा। बिल्कुल नहीं। पग मत कीजिए। ओ, सॉरी। आइए। रश्मि ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की है। हाउ स्वीट ऑफ हर। कल से तुम काम पर आ सकते हो। शुक्रिया दीवान साहब। हम तुम्हें 500 रुपया महीना देंगे। जी, लेकिन रश्मि जी ने तो 1000 रुपए महीने की बात की थी। 1000 रुपए? रश्मि का दिमाग खराब हो गया है। आजकल कोई इतनी तनख्वाह देता है? वाह डैडी, इतनी जल्दी आपने अपनी बात बदल दी। आपने तो कहा था अगर कोई शरीफ और जिम्मेदार आदमी मिल जाए तो आप 1000 रुपए देंगे। कहा तो था, लेकिन 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 कुछ नहीं। मैंने रोहित बाबू से वादा किया है और आपको मेरी बात रखनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, अच्छा, हम तुम्हें 1000 रुपया देंगे। आर यू हैप्पी नाउ? वेरी हैप्पी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग मोती। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोहित। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था? इंटरव्यू? तुम इन्हें जानते हो? जी हाँ, थोड़ा बहुत, रश्मि की मेहरबानी से। रश्मि के कहने पर मैंने मिस्टर रोहित को तुम्हारा असिस्टेंट रख लिया है। आई सी, दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रोहित। थैंक यू। मैं जानता हूँ रश्मि, मेरी मदद के लिए तुम कभी किसी गलत आदमी को नहीं चुन सकती। शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करती हूँ। मेरे लिए 2 कप। राइट डैडी। हाँ तो मिस्टर रोहित, मैं चाहता हूँ काम शुरू करने से पहले आप जरा सोच लें। काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो या आसान, जब नौकरी करनी है तो करनी। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ के मजदूरों को आप नहीं जानते, वो जानवरों से भी बदतर है। लेकिन है तो इंसान, मैं उन्हें संभाल लूंगा। लेकिन एक बात और है मिस्टर रोहित, आपको 24 घंटे जंगल की खतरनाक जिंदगी गुजारनी होगी। खतरों से खेलना ही तो जिंदगी है मोती बाबू, और फिर मैं इन जंगलों से वाकिफ हूँ, मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। कल से काम पर आ जाइए। आइए। बिजली, ओ बिजली। मेम साहब, आप? सलाम। सलाम बिजली, ये है तुम्हारे नए साहब रोहित बाबू, और आज से ये यहीं रहेंगे। इन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिजली के होते हुए आप कोई चिंता ना करें मेम साहब, बिजली जी जान से साहब की सेवा करेगी। ठीक है, तुम जाओ और उनके रहने का इंतजाम कर लो। अच्छा मेम साहब। कहिए रोहित साहब, आपको हमारी स्टेट कैसी लगी? स्टेट तो कई बार देखी है, लेकिन आज इतनी खूबसूरत लगी पहले कभी नहीं। वैसे आपने स्टेट देखी? आप तो मुझी को देखते रहे। वो दरअसल स्टेट तो फिर कभी देख लेंगे, लेकिन आपको इतनी नजदीक से देखने का मौका फिर कभी मिलता। मजाक छोड़िए, मैं वाकई आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने ये काम करना मंजूर कर लिया। क्या कह रही हैं आप, ये तो आपका एहसान है मुझ पर। नहीं रोहित बाबू, सच पूछिए तो आपको ये काम दिलाकर मैंने अपने आप पे एहसान किया है। क्या मतलब? शायद आप नहीं जानते कि खतरा है जो स्टेट के पीछे भी मंडरा रहा है और मेरे पीछे भी। खतरा? जी, मोती बाबू। मोती बाबू, यानी कि आपके जीजा जी? हाँ, जब से दीदी की डेथ हुई है तब से डैडी ने स्टेट का सारा काम मोती बाबू को छोड़ दिया है, और मोती बाबू अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो क्या आपको अपने जीजा जी पर भरोसा नहीं था? कभी, अब नहीं। अगर ये बात है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जी। बादल, ये सब क्या है? मजदूरों को पगार देने के लिए हर महीने 50,000 रुपए निकाले गए, लेकिन उनको सिर्फ 25,000 रुपए दिए गए, बाकी का रुपया कहाँ है? सरकार, अभी आप नए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब पता। वो रुपया किसकी जेब में गया? तुम्हारी जेब में? नहीं सरकार। सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी वक्त मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। सरकार, मैं तो नौकर हूँ, इसमें मेरा क्या क्या हो रहा है? मिस्टर रोहित, ये अकाउंट की सारी किताबें बाहर क्यों रखी? क्या बात? अकाउंट चेक कर रहा था, लाखों का हेर फेर,
What do you mean? मजदूरों की तनख्वाह ज्यादा लिखी गई है और रकम कम दी गई। तुम कौन होते हो ये सब जानने वाले? मैं स्टेट का नौकर हूँ और स्टेट को जिस किसी चीज से नुकसान पहुंचे उसे रोकना मेरा फर्ज है। तुम सिर्फ मेरे नौकर हो और तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूँ। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं, जो कुछ भी हो रहा आपकी मर्जी से हो रहा है। शट अप, अपने हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। हद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा मोती बाबू, सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 2 वर्षों से मजदूरों की मांगे पूरी क्यों नहीं की गई, उन्हें भूखा क्यों रखा गया, उन पर जुल्म क्यों किया गया। खामोश बदतमीज, ये तुम नहीं रश्मि की मेहरबानी बोल रही है, मगर याद रखो मेरे फैसले के सामने रश्मि की मर्जी भी नहीं चल सकती। चलो बादल। जीजा जी के बारे में मैंने जो कुछ कहा था गलत तो नहीं था? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपके जीजा जी काफी खतरनाक मालूम होते हैं। आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। इसी भरोसे के सहारे मैंने उनसे टकराने की हिम्मत की है। सरकार, औरत का दिल एक बार किसी पर आ जाए तो उसे जी से जी कभी नहीं भूलती। बात मेरे होते हुए रश्मि की जिंदगी में दूसरा मर्द कोई नहीं आ सकता। सरकार, आप बोले तो शाले कबूतर की गर्दन मरोड़ दूं। नहीं बादल, नहीं, ये कांटा इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। रश्मि इस पर जरा जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान है, इसके लिए हमें कोई खास तरकीब सोचनी पड़ेगी। कल तुम लोगों का त्योहार है ना? हाँ साहब। ये लो, खूब धूमधाम से जश्न होना चाहिए, समझे? समझ गया साहब। मुझे देना, इधर भी देना, मुझे नहीं दोगी बिजली? ओहो, एक अनाथ 100 बीमार, लो तुम ही लो। अरे ओ बिजली, उधर ही कुंती रह गई है, इधर भी चमकेगी। आती हूँ। अरे जल्दी आना। बोलो। बस यूं ही देखती रहो। कितने ग्लास हो गए? 3 तक तो याद है, उसके बाद तो आम सो गए। सोते ही रहो चाचा। बंगला के कहाँ चली अनारकली? मैं चली पिया की गली। वारी मेरी मिश्री की डली। ये लीजिए सरकार, मैंने अपने हाथ से बनाई। अच्छा, थैंक यू सरकार। भंग घोटने में तो इसका जवाब ही नहीं है। वो घोटती है। एक घूंट ले लीजिए, रात में तारे नजर आ जाएंगे। रात में तारे? आप भी लीजिए ना सरकार। नहीं बिजली, मैं नहीं पीता। सरकार आज तो त्योहार है, आज तो सभी लोग पीते हैं। ले लो रवे, एक गिलास से कुछ नहीं होता। कौन है? नहीं मोती बाबू, मैंने कभी नहीं पी। रंग में भंग मत डालो रोहित, एक गिलास लो, कुछ नहीं होगा। कहाँ लीजिएगा सरकार? लेकिन अरे ले भी लो, कुछ नहीं होगा हम कहते हैं। लीजिए सरकार। शाबाश। ये क्या कर रहे हो? अब सब लोग कह रहे हैं तो मैं क्या। अरे रश्मि, आज के दिन से मत रुक। देखो हम भी तो पी रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम पियोगे तो मैं भी पियूंगी। ये हुई ना बात। That's the spirit. Cheers, 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 everybody, cheers. ये हुई ना बात। शाबाश, शाबाश। बिजली, एक गिलास और डाल दो। अरे रश्मि, रश्मि क्या कर रही हो? पीने दो ना, अच्छा लग रहा है। अरे सारा नशा टूट गया, ला एक गिलास और ला। देती हूँ बाबा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? भंग सामने हो और भंग ही उतावला नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी चमक चल लो। क्यों काका, आज ये बासी कड़ी में उबाल कैसे आ गया? आज सामने हो तो उबाल कैसे नहीं आएगा? तुम मेरी रानी, महारानी, लॉर्ड बाबू, इन्हें घर तक छोड़। चलो।
बिजली, बिजली तुम आ गए बाबू। आधी रात गए तुम मेरे कमरे में क्या कर रही? इंतजार तुम्हारा, बड़ी देर करती बाबू। पागल हो गई तुम? सारे बदन में ज्वाला भड़क रही, बुझा दो। तुमने तुमने शराब पी? त्योहार के दिन थोड़ी सी पी ली तो क्या हुआ? हटो, शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो जी तुम, कुछ भी नहीं समझते। ओ गॉड, क्या मुसीबत है। कहाँ ले जा रहे मुझे? मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी तुम? मैं नहीं जाऊंगी। अभी तुझे बाहर निकालता। बादल, क्या बात है सरकार, आप इतने घबराए हुए हैं? तो समझ गया सरकार। क्या समझ गया? अंदर मालिक है। सरकार मैं भी देख लूं। माल बड़ा जबरदस्त है सरकार। होश की बात कर बादल, ये तेरी बिजली है। बिजली? आधी रात को बिजली यहाँ कैसे आ गई? यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? सारे गांव में डाका डालने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा घर मिला? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बादल ने नौकरी की है, इज्जत नहीं बेची। बताओ तुम मेरी मंगेतर को यहाँ क्यों ले आए? बादल मेरा मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो। बादल जबान पे लगाम दो। कमीने, एक तो मेरी मंगेतर को उड़ा के लाया, ऊपर से मुझे आंखे दिखाता है। आज छोड़। ए कृष्णा, ए लक्ष्मण, अरे अब्दुल चाचा, तुम बादल क्या हुआ? देखो क्या हुआ बादल चाचा, इस कमीने ने मेरी मंगेतर की इज्जत पे हाथ डाला है, मैं इसको कभी नहीं। ठहरो। हां हां बेटी, क्या हुआ? इसने तुम्हारे साथ क्या किया? अरे चौधरी चाचा, ये क्या बताएगी? देखने रहे किस हालत में पड़ी है, बेहोश पड़ी हुई है। इस कमीने ने शराब पिला पिला कर इसकी ये हालत कर दी है। मैं इसका सर तोड़ दूंगा, इसकी जान ले लूंगा, इसके हाथ का फैला। बादल, अगर ये गुनाहगार है तो इसे सजा देने का तुम्हें कोई हक नहीं। इसका फैसला कल सवेरे पंचायत करेगी। चौधरी साहब, अब चलो, बहुत हुई। चलो बादल, बेटी तुम भी चलो। चलो 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 सब चलो, चलो कल ही फैसला हो जाएगा। चलो